Emergency exits or aircraft systems are strictly prohibited by law and is a punishable offense. Any offense will be reported to the authorities. Request a cooperation packet. तो अभी पहुंच चुके हैं उधर, ये है एग्जिट। अभी बाहर जाते हैं, तो अभी कैब देख रहा हूँ कब से मैं, लेकिन कोई, ये उबर है कनेक्टिंग टू राइट, ये ओला है कनेक्टिंग टू राइट। मतलब क्या ही कोई करेगा यहाँ। अब यहाँ पे जो बाहर जिनका प्रीपेड वाला रहता है, तो अभी देखना कितना कॉस्टली रहेगा। क्या सनसेट है। तो अभी बाकी मैं तो भूल ही गया था सामान भी वापस लेना है। उधर देखो विंडो, अपना अपना लगे सब। तो अभी निकल रहे हैं बाहर और आप ये जरूर सोच रहे होंगे कैमरा किस ने लिया। तो मैंने वहाँ पे एक भैया से कहा था, भैया कैमरा पकड़ लो। तो मैंने कैमरा पकड़ लिया, आप देख रहे हो। पूछा नहीं मैंने मुझसे, मैं खुद ही बता देता हूँ। तो अभी हम ये एग्जिट ले रहे हैं, पहुँच गए उदयपुर। और ये एग्जिट मेरा दिमाग बस कैब बुक करने में था, क्योंकि उनके आगे चल कर देखना कैब के लिए कितनी दिक्कत होती है। आ गए हैं बाहर और कैब भी हो गई है अपनी बुक। तो देखते हैं किधर है कैब वाले भैया। तो हो गई अपनी कैब RJ2। मतलब जो कैब मैंने अभी बुक की है, तो उसमें ये बोल रहे हैं कि मतलब एक्स्ट्रा चार्ज का कुछ ऐसा कुछ कह रहे थे। तो मैंने बोला भैया ठीक है, मुझे वहाँ तक जाना है। फिर वो बोल रहे हैं शायद प्राइवेट गाड़ी भेजते हैं, तो खुद की गाड़ी मतलब वो एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे और हम कम लेंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। ये सबसे बड़ा मतलब जैसे कि मुझे ये उदयपुर का टिकट भी बहुत मतलब इस समय बहुत बेकार चल रहा है भाई। मतलब मिलता ही नहीं है जल्दी, कभी लेट कभी सभी। अपनी कैब आ चुकी है, तो अभी आ गए हैं आप कैब में। ये आपका नाम? मेरा? हाँ, मेरा बंसीदास। बंसीदास भैया के साथ आ गए हैं यहाँ पे। वीडियो कॉलिंग चल रही है? नहीं, वो वीडियो चल रहा है। अच्छा, यूट्यूब के लिए। तो यहाँ पे हर बार दिक्कत होती थी, लेकिन इस बार नहीं दिक्कत हुई है। वंशी भैया ने बहुत अच्छे से हैंडल किया, नहीं तो हमेशा एक्स्ट्रा की बात या तो नहीं आ पाएंगे। मतलब मैं तो इसीलिए फ्लाइट से मतलब जब तक उतरा नहीं तब तक मैं बुक ही कर रहा था। अच्छा। कि हो क्योंकि बहुत टाइम वेट करना पड़ता है यहाँ पे। और ये लोग का क्या, प्राइवेट वाले जितने लोग अभी 800, 850, 900, वो हमारा अभी इसमें क्या ओलापुर से प्रॉब्लम आती ना, इसकी वजह से होता है। मेन दिक्कत है कि इधर से फिर या तो उधर से आएंगे तो फिर इधर क्या कहते हैं नहीं मिलेगी वो कैब, या तो उधर से आएंगे तो इधर नहीं मिलेगी। दोनों साइड से दिक्कत है। कैब तो मिलती है, लेकिन क्या वन साइड का लफड़ा पड़ता है यहाँ पे। जैसे 4 घंटे से गाड़ी खड़ी है तो प्रॉब्लम आती है। अभी हनुमान ओके सर, एक बार हाथ। थैंक यू सर। क्या सेवा करें, चाय कॉफी? नहीं कुछ नहीं, थैंक यू बस इतना किया कैब के लिए। 24 घंटे में सेवा आपके साथ है, कभी भी फोन करो। टैक्सी के अलावा और कोई पर्सनल काम तो हो मेरे लायक, ठीक है? ओके सर, थैंक यू, वेलकम भैया। तो बंसी भैया बहुत अच्छे हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ पे अभी काफी देर हमको यहाँ पे इंतजार करना पड़ता, क्या ही कोई बताए। तो हनुमान भैया क्या हाल चाल? ठीक ठीक है। तो अच्छे से सेफली ले चलिए।
बेड लगा लिया है और शाम हो चुकी है और आज तो बस सोना ही है, कल देखते हैं कल का क्या सीन है। तो फिर कल पे बता दिया जाए कि पहुंच चुके हैं। शाम का टाइम है, क्या व्यू है, सनसेट, वेलकम टू उदय। क्या बोलते हो, यहाँ स्ट्रीट से ही शॉपिंग की जाए क्या? सारी पेंट देख रहे हो भाई? ये देखो तो खाना पीना हो चुका है और अभी बालकनी के मजे लेते हुए, ये है कुछ बालकनी का व्यू इधर, ये तो अब चलते हैं आराम करने। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, बाय बाय।